हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिस है रेलवे का, तो उसको मैं पूरा आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं, और पूरा चीज़ मैं एक एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आपने ऑब्जेक्शन वाला जो ट्रैकर था उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया। देखो वो बहुत ट्रिवियल था इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया और आपको आसानी से वो समझ में आ रहा था। पर ये जो नोटिफिकेशन है इसका मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि आप जो फैसला अभी लेंगे वो फैसला बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी बातें हैं, तमाम बातों का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो हम नेक्स्ट जो आप यूट्यूब कमेंट में जो भी आप पुट करेंगे कमेंट आपके, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है T2B स्टूडेंट्स के, तो उनको एक एक चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये सेशन। इसमें देखो दोस्तों, आप जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये हमने रेलवे की जो RRB अजमेर की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने PDF डाउनलोड किया है, तो ऑथेंटिक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट बातों को गौर करते हैं। सबसे पहले आप हमारी जो वेबसाइट है theory2practical.com, जो स्टूडेंट्स थ्योरी टू प्रैक्टिकल से नहीं जुड़े हुए तो एक बार इस वेबसाइट को एक बार आप विजिट करें, इसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारा जो मोबाइल नंबर है दैट इज़ 800-337-8523, ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब शुरू करें दोस्तों। अब मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं साइड बाय साइड इसमें लिखता जाऊँगा, ठीक है। अब देखो पहली बात ये कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ALP एंड टेक्नीशियंस के लिए, और दिस इज़ रिगार्डिंग, लिखा हुआ है सबसे पहले रिवीजन ऑफ मैकेनिज्म वैकेंसीज, जो वैकेंसीज जो है वो बढ़ गई है, अब कितनी है उस पर डिटेल है इसमें। और इसके बाद में है इसमें सिलेक्शन ऑफ RRB, मतलब कि RRB का जो सिलेक्शन करना है, मतलब कौन से बोर्ड से आपने भरना है वो भी सिलेक्शन अभी आपने करना रहेगा। फिर ऑप्शन फॉर रेलवे यूनिट एंड पोस्ट, कौन सी यूनिट्स है रेलवे की, वो सब चीज़। और सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम ट्रेड, दोस्तों ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है तो इस पर खासा चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान हैं जिन्होंने गलती से गलत अपनी एग्ज़ाम ट्रेड भर दी है, तो अब उनको एक मौका दिया गया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बात करूँगा। और कन्फर्मेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल फॉर रिफंड, तो जो आपके जो पैसे जो रिटर्न होंगे रिफंड होंगे, आप गए वहाँ पे अपना अगर एग्ज़ाम दिया है तो जो आपके पैसे रिफंड होंगे उसका जो आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपने भरनी है। तो बैंक अकाउंट डिटेल आप ऑलरेडी भर चुके हैं, पर अगर इन केस अगर वो चेंज हो गई है तो वो मॉडिफाई भी हो जाएगी, पर ये मॉडिफाई अब एक और फाइनल बारी होगी, इसलिए ध्यान से भरना, कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करो करते हम ये शुरू, ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो इसमें एक चीज़ दे रखी है बच्चों, स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट, ये क्या चीज़ है ध्यान रखो। ये 22/9, आज 21 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से 22/9 और 11 आवर्स, मतलब 11 बजे दोपहर समथिंग आपका शुरू हो जाएगा। और कब तक ये वैलिड है, मतलब कब तक आपको इस पे एक्शन लेना है, वो दे रखा है 1/10/2018, मतलब कि आपके पास में मात्र 9 दिन है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा निकल के आया है वो ये है, पहला पॉइंट मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें जो आपको एक्शन लेना है वो है 22 सितंबर से लेके आप 1 अक्टूबर तक, आपको 1 अक्टूबर तक आपको इसको, सॉरी एक अक्टूबर तक आपने डिसीजन इसमें लेना है, ठीक है। मतलब मात्र आपके पास में कितने दिन है, 9 दिन है आपको एक्शन लेने के लिए, ठीक है। पहली बात मेरी हो गई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जो मैं यहाँ पे साइड में लिखता जाऊँगा जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब देखो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि पहले 1/8/2018, और मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था कि पहले समथिंग 26,000 वैकेंसीज थी, 26.5K वैकेंसीज थी, अब वैकेंसीज जो है वो बढ़कर हो गई है 60,000 हो गई थी 1 अगस्त को मैंने बताया था, और उसका नोटिफिकेशन जो निकला था खुशखबरी,
और अब जो है इसमें लिखा हुआ है कि अब जो एनहेंस वैकेंसीज है और अब जो टोटल वैकेंसी अब जो दे रखी वैकेंसीज वो किन्होंने कितनी दे रखी है, वो उन्होंने दे रखी है 64,371, मतलब 64,371 वैकेंसीज है, जिसमें एएलपी के लिए कितनी है 27.77 है और टेक्नीशियन के लिए है 36,500, मतलब 28,000 समथिंग वो है और 37,000 आपकी टेक्नीशियन की है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके ऊपर अपना पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बात ये है दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब देखो, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड फिलिंग अप द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन फॉर द रेलवे यूनिट एंड पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट द आरआरबी। तो इसमें ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एएलपी टेक्नीशियन अगेंस्ट सीएन इन जनरल नॉट स्पेसिफिक आरआरबी। तो इसमें आपने आरआरबी स्पेसिफिक नहीं किया था। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी वॉज कंडक्टेड बिटवीन 9th 8th 2018 टू 4th सेप्टेम्बर अंडर द हेडिंग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर दिस कंसिडर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा निकल के, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अंग्रेजी लिखी हुई है, टेंशन मत लेना, जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सब चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा। कंसिडरिंग दैट ऑब्जेक्शन ट्रैकर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ की बेस्ड ऑन इनपुट्स रिसीव्ड आर इन प्रोग्रेस, मतलब जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर आपका जो निकला है और उसके कारण और जो काफ़ी गलतियाँ जो इनके हो रही है, नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट उसमें उनको काफ़ी थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय वो मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सेव टाइम, किसका टाइम सेव करना चाहते हैं, वो खुद का जो टाइम सेव हो, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड बाय द आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने ये डिसाइड किया है, द कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी परमिटेड टू सेलेक्ट द आरआरबी एंड फिल द ऑप्शन फॉर द रेलवे यूनिट एंड पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज सिग्नेचर बी। इसमें ये कह रहा है, मैं आपको सही बात बताऊँ कि बात क्या है, इसमें बात ये कह रहा है कि आपने फॉर्म आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, अब आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, अब आपका फाइनल कट ऑफ निकल के आ रही है, फाइनल सब चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक महीने तक ये प्रोसेस हुई, उसके बाद कि साहब अब आप अपना एग्ज़ाम डेट बताओ, साहब अब अपना ये बताओ, अपना वो बताओ, अब हम अपनी प्रोसेस ये वाली स्टार्ट करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आने दो, रिज़ल्ट आने दो, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आंसर कीज है, जो बेस्ट प्रोसेस है, सब चीज़ हम करेंगे, सब कोई किसी को हम कुछ निराश नहीं करेंगे, फालतू में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे गलत सवाल होने के कारण, पर हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो आगे का जो काम है ना, हम अभी से करके रख दें, ठीक है, आगे का काम जो है कि कौन सी आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी है, कौन सा एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी क्वेरी है, रिफंड जो भी है, वो वहाँ से निपटना चाहते हैं, सीधी बात है। तो अब ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि ऑल स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड देयर इन्फो। समझ गए बात, समझे नहीं समझे बात, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि भाई आपके 27 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, सीबीटी 1 में कितने भी मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपके 25 आ रहे हो, ठीक है, कुछ भी मार्क्स आ रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, भैया अपनी जो डिटेल है वो फर्निश कर दो, फिर अपन बाकी चीज़ और देख लेंगे। तो इसका पर मतलब ये नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई 15 ही मार्क्स का किया है और वो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करो, हम देख लेते हैं, और अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, अगर आप पास हो जाते हैं, तब तो हम आपको सीबीटी 2 में रेस्पेक्टिव आपको जो भी बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है आपका, जो भी ट्रेड है, वो हम प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, पर इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को देनी है, तो इसमें कोई चूकना नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी बात है, सभी स्टूडेंट जितने भी आपके मार्क्स हैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बढ़े आगे, और इसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेज सीबीटी में लॉग इन थ्रू लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी एंड कंप्लीट द आरआरबी सिलेक्शन ऑप्शन ऑफ द पोस्ट। अब जो आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर जाओ और उस पर
जो भी बाकी जो भी आपको काम करना है वो काम करना शुरू कर दो, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ आर आर बी एंड द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन फॉर द पोस्ट एंड रेलवे वंस फाइनली सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये फाइनल होगा, जो आप इंफॉर्मेशन दोगे ये फाइनल होगा, बार बार आप चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसे ध्यान से समझना। और कई बच्चों का जो यूट्यूब पे मेरे मोबाइल पे मेरे जो व्हाट्सअप है अपना, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक बार, और इसमें फिर फाइनल होगा ये, तो आपको जो है प्रूडेंट रहना है, आपको चौकस रहना है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भरनी है, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये चीज़ हो गई हमारी, ये चार पॉइंट आपने नोट कर लिए, इन चार पॉइंट को मैं आराम से रफ कर दूँ, ठीक है। और नहीं तो फिर मेरा चेहरा है उसके ऊपर आ जाएंगे ये सारे, ये है ना। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, ऐसे ये रब हो गए आपके, ये रब हो गए, ठीक है। ये चार बातें आपने लिख ली, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें क्या क्या कहा है कि सिलेक्शन ऑफ आर आर बी एंड प्रायोरिटी ऑप्शन फॉर द वंस फाइनल होगी, जो भी होगा, हैंस कैंडिडेट मे डिसाइड फर्मली एंड करेक्टली द आर आर बी ऑफ देयर चॉइस एंड देन ओनली प्रोसीड टू फिलफिल द प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे यूनिट एंड पोस्ट। जो भी आपको पोस्ट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो अभी आप क्लियर कर दो, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल द कैंडिडेट इंडिकेट देयर प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन फॉर एज मैनी एज पोस्ट एज दे आर एलिजिबल फॉर, इन केस एनी कैंडिडेट ऑप्ट फॉर ओनली फ्यू पोस्ट ही शी विल बी कंसिडर ओनली फॉर दोज ऑप्टेड पोस्ट एंड नॉट फॉर द अदर पोस्ट। अब इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है, सॉरी, इसमें यह कहा गया है आपसे, इसमें आपसे ये कहा गया है दोस्तों कि आप जो भी पॉइंट, सॉरी, इसमें यह कहा गया है आपसे कि आप ऑप्शन भरने में कंजूसी ना दिखाएं ऑप्शन भरने में, ठीक है, माइजर ना बने ऑप्शन भरने में। इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आपने बोला भाई मैं तो चार पोस्ट है मेरी पसंद की, उसको मैं भरूंगा, ठीक है। अब अगर आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग नहीं आई और वो चार पोस्ट आपको नहीं मिली, क्योंकि उसमें कट ऑफ के हिसाब से आपको नहीं मिली और भी बच्चे आपसे आगे थे, तो क्या होगा आपके साथ में, क्या आपको कोई और पोस्ट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चार पोस्ट, तो आप एक काम करो, कम से कम आप जितने आप के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो, अगर आप 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो 10 पोस्ट के हिसाब से आप अपनी भर दो, भाई इतनी पोस्ट के हिसाब से मुझे मिल जाए, समझे। तो ऐसे नहीं कि दो पोस्ट, भाई मुझको तो भाई कारपेंटर उसमें जाना है, या फिर मुझको तो भाई इस पर्टिकुलर फिटर के इस वाले डिपार्टमेंट में जाना है बस, और नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ऐसे करोगे तो क्या होगा कि अगर आप बाकी में अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो रेलवे आपको आगे नहीं करेगी, क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। तो जितनी भी पोस्ट मिला आप कर सकते हो तो कर लेना। अब बड़े आगे, फिर आगे क्या लिखा है, आगे क्या कहता है कि All the candidates who have appeared for the first stage CBT have to select the RRB and priority of option for the post. Failing with their candidature will be not be considered for shortlisting for second stage CBT. और ये बोला है कि कुछ students ऐसे होंगे कि यार अपन को क्या मतलब है, अपन तो second stage का exam देंगे, हम तो जो भर दिया। भाई सभी student को ये भरना है, ये कंपलसरी है, ये फाइनल चीज़ पूछी जा रही है आपसे, जो आपको भरनी ही भरनी है। अगर आप नहीं भरते हो तो आपका सिलेक्शन, आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी है, एक बार फिर से मैं ये 6 पॉइंट लिख दूं कि ये जो है आपके लिए कंपलसरी है, क्या है, कंपलसरी है, ये फिर से आपको पूरा इसको भरना, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, नहीं करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपको करना है। बड़े आगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट है ट्रेड को लेके। अब हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, तो उसके बारे में पूरी चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन एलिजिबल क्वालिफिकेशन वाया ITI, NSE, HC,
HSC डिप्लोमा डिग्री हैव सेलेक्टेड मोर देन वन एग्जामटेड एज पर देयर क्वालिफिकेशन. RRB हैव ऑल्सो रिसीव द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ एग्जामटेड चूज एन अदर टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. उसने बोला है कि कई स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक किए हुए हैं, तो बोले कि भाई 10+2 के हिसाब से मैंने भर दी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और बीटेक मैंने करी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने भर दी फिटर भर दी मैंने. ठीक है, अब आपने आपके मन में ये डाउट हो रहा था कि यार मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स तो भरी है 10+2 में, ठीक है, और मैंने आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो भरी है मैंने 10+2 पे, और फिटर मैंने भरी है एज अ बीटेक, तो अब क्या एग्ज़ाम मेरा किस पे आएगा, ये एक प्रॉब्लम थी. और RRB ने बोला है कि काफ़ी बच्चों ने पूछा भी है हमसे हम क्या करें. तो मैं दोस्तों आपसे ये, हम लोग पहले जो आपको ये बता रहे थे दोस्तों, इन कंडीशन में क्या होगा, इन कंडीशन में जो आपकी हायर डिग्री होगी वो मानी जाएगी, ये हम पहले बोल रहे थे. तो यानी कि इस केस में आपकी जो बीटेक किया हुआ है आपने और फिटर भरा हुआ है, ये आपका फाइनल होता. बट अब ऐसा ये नहीं बोल रहा, अब ये बोल रहा है कि हमने आपको चलो ये भी छूट दी थी, अगर आपसे गलती हो गई है तो अब आप एग्ज़ाम जो है अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लो. अगर आप फिटर में कंफर्टेबल हो तो फिटर दे दो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफर्टेबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो. ठीक है, जो भी हो एक चीज़ आप अब जो है क्लियर करो. तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास में अब आ गया है. अच्छा, आगे बढ़े दोस्तों. अच्छा, आगे इसमें ये कहानी है, टू फैसिलेट कैंडिडेट्स टू अपेयर इन ओनली वन एग्जाम ट्रेड इन पार्ट बी ऑफ सेकेंड स्टेज CBT, RRB हैव नाउ डिसाइडेड दैट दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर मोर देन वन एग्जाम ट्रेड इन व्यू ऑफ देयर मल्टीपल क्वालिफिकेशन विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट ओनली वन एग्जाम ट्रेड ऑफ देयर चॉइस. कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन पार्ट बी ऑफ सेकेंड स्टेज इन चूजन ट्रेड शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट फॉर विच दे पोजिस द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन पार्ट ए ऑफ स्टेज CBT. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसकी मैं एक चीज़ आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है. कई स्टूडेंट्स हैं बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो हमको ये बोल रहे हैं कि सर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर ITI से तो ऊपर है आपकी बीटेक. ठीक है, ITI से आपकी बीटेक जो है वो ऊपर है. अब अगर ITI से आपकी बीटेक अगर ऊपर है तो हम ITI तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम कर ही रहे हैं, तो हम क्या सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है. मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपको लिख दिया है कि आपने ITI की है, एक मिनट ये सब चीज़ मैं एक बार मिटा देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ, मतलब ये कि अगर आपने ITI की है, ठीक है, और साथ में आपने BCom कर ली उसके बाद में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ITI के अकॉर्डिंग आप मिनिमम एजुकेशन है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है जो आपको आगे हम एक टेबल दिखाएंगे. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बीटेक किए हो तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान के ITI से ऊपर है करके तो आप सभी पोस्ट को भर पाओगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं. अब और भी बातें हम लोग करने वाले हैं, ये पॉइंट्स हमारे हो गए. अब देखो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है और ये फालतू में लफड़ा हो गया है जो 10+2 के स्टूडेंट्स थे. अब इसमें ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन पार्ट बी ऑफ सेकेंड स्टेज CBT इन चूजन ट्रेड शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट और विद द पोजेस मिनिमम वाला हो गया. चलो ठीक है, अब देखो फर्दर कंसिडरिंग दैट फॉर सर्टेन पोस्ट द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन HSC इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड RRB हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक अवेलेबल मैथ्स एंड फिजिक्स एज एन एग्जाम ट्रेड विद द सिलेबस ऑफ CBSE फॉर HSC ओवर एंड अबव द रिलेवेंट ट्रेड्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन फॉर सच कैंडिडेट्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का मतलब समझ लो, ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है. ठीक है, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, चलो पहले बता ही देता हूँ. ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव का मतलब होता है, आप खुद इसको सर्च कर लेना अगर आपको डाउट हो तो नेट पे, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू दैट, मतलब इसके साथ साथ. ठीक है, अब ये ब्रह्म ज्ञान, ये वोकेबलरी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, अभी आपको काम आएगी. तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे
टेन प्लस टू वाले हैं बेचारे, उनके साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। गड़बड़ तो क्या, पर मतलब और लोड हो गया है। तो इसमें ये था कि पहले हमने बताया आपको कि भाई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने सेलेक्ट कर ली, आपने रेडियो एंड टीवी सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने इलेक्ट्रिशियन आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आपने ये ट्रेड सेलेक्ट कर ली मान लो, ठीक है। अब हमने बोला भाई आप, हम आपको जो डीजीटी सिलेबस होता है आईटीआई का, उसके अनुसार हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। भाई ठीक है भैया, ये बात भी सही है, कोई नहीं, अपन इसके काम करा दो। अब ये क्या बोल रहे हैं, दरिया दिली दिखा रहे हैं, उल्टी फंसा और दिया कि उसमें ये बोल रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि आपने मैथ्स और फिजिक्स किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आपको RRB has also decided to make available maths and physics as an exam trade with the syllabus of CBSE for HSC over and above the relevant trade mentioned in the notification for such candidates। मतलब जो relevant trade थी आपकी electronics and electrician के साथ में over and above आपकी HSC की जो maths and physics है, जो आपकी 11th 12th में आप मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़े हो आपकी, उससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ये बात इन्होंने कह गई है। अगर ये ऐसा कह देते ना कि अच्छा 11th एंड 12th की आ जाती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता, तो फिर भाई DGET क्यों पढ़ते, इलेक्ट्रिशियन वगैरह क्यों पढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्यों पढ़ते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये फालतू में थोड़ा नाटक जो है हो गया है मेरे ख्याल से। बट मे भी कुछ चीज़ पूछ लें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज़ पूछ लें, कुछ बेसिक फिजिक्स की चीज़ पूछ लें, तो मे भी वो पूछ सकता है इसमें, रोटेशन पे कुछ पूछ लें, ठीक है। बाकी तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म कुछ कुछ आप पढ़ ही रहे हो बेसिक चीज़ ITI के सिलेबस में, तो मोर ओवर अगर आप मोटा मोटा जो आएगा बट ITI से ही आएगा, तो आप ये करो कि आप इलेक्ट्रिशियन का जैसे आपने भरा है तो इलेक्ट्रिशियन तो अच्छे से आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ चीज़ वो मैथ्स एंड फिजिक्स की भी कर सकता है। तो मतलब ओवर एंड अबव इन एडिशन टू दिस वो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फर्दर RRB हैव डिसाइडेड टू गिव वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट्स हु हैव चूजन अ सिंगल एग्जाम ट्रेड इन देयर एप्लीकेशन टू चेंज देयर एग्जाम ट्रेड फ्रॉम अमॉन्ग द रिलेवेंट ट्रेड ऑफ देयर क्वालिफिकेशन इन केस दे विश टू चेंज द एग्जाम ट्रेड। For candidate with only ITI NEC qualification, the exam date will be the this and this not be changed. ठीक है, ओके। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात बोल रहा है, पहली बात तो बहुत अच्छी बात बोला है, घबराओ मत। इसमें बोल रहा है कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब बार बार नहीं बदलने का मौका देगा। Who have chosen single exam trade in their application to change their exam trade from among the relevant trades of their qualification in case they wish to change the exam trade. Single exam trade, आप अपनी सिंगल, आप एक ही एग्जाम ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी है, सिंगल एग्जाम ट्रेड आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप अभी चेंज कर सकते हो अपनी ट्रेड, ये भी इसमें दिया गया है। और एज पर योर क्वालिफिकेशन, अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, कई स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में भी आए, हमसे बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे सर मैंने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, अब मैं जो है BTech किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो मेरे को सिलेक्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज करने में, और एक था मेरा रेडियो एंड TV चूज करने में। अब मेरी मति मारी गई, पता नहीं क्या मेरे को दिमाग में सूझा कि भाई रेडियो TV मैं जानता हूँ उसमें कम होगा, मैंने जो भी सोचा, तो उन्होंने रेडियो एंड TV सेलेक्ट कर लिया। अब जब रेडियो एंड TV सेलेक्ट कर लिया, जब कोर्स में देखा तो समझ में आया कि एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करते तो उनके लिए ज़्यादा इजी रहता, क्योंकि उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, और रेडियो एंड TV में उसमें घुस करें, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि जो उस बंदे का था, इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का होगा। तो इन दैट केस वो बोला कि सर अब तो रेडियो एंड TV से मुझको गुजारा करना पड़ेगा। पर अब यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि अब आपको
एग्ज़ाम डेट आप चेंज कर सकते हो अपनी, और आप जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। अब आपने कई स्टूडेंट्स हैं जैसे जो मैकेनिकल साइड से हैं, तो वो बोले कि सर मैंने फिटर था और मैंने हीट इंजन भी सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप फिटर से कंफर्टेबल है तो फिटर का कर दो, हीट इंजन है, हीट इंजन में कुछ और नहीं, जो मैकेनिकल डीजल आता है आपका या फिर और सारी जो ट्रेड्स आती है उससे रिलेटेड जो होती है मैकेनिक मोटर व्हीकल, उससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप अगर फिटर से कंफर्टेबल हो तो फिटर को सिलेक्ट कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अब कई बच्चे थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे और उन्होंने आरएसी सेलेक्ट कर लिया, कई बच्चे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे वो आरएसी सेलेक्ट कर लिया, अब वो पछता रहे सिलेबस देखे, तो एकदम चीज अलग है, बहुत सारी चीज है। तो अब वो बीटेक वाले बच्चे इलेक्ट्रिशियन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक और बात सुन लो कि इसमें यह बोला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे उस क्वालिफिकेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक बीटेक इन मैकेनिकल है वो फिटर भी चूज कर सकता है, वो आपका वेल्डर भी चूज़ कर सकता है, वो आपका मैकेनिकल डीजल भी चूज़ कर सकता है, तो उस पर अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसा नहीं है कि कोई आईटीआई का बंदा है और उसकी ब्रांच तो है फिटर, ठीक है, और वो कंफर्टेबल मैकेनिकल डीजल से हो रहा है मान लो, तब वो उसमें चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि इसमें बोला है जो आपकी आईटीआई ट्रेड है वो ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्लियर हो गई, ये हो गई बात, बड़े आगे। अच्छा, कन्फर्मेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल फॉर एप्लीकेशन फीस रिफंड। तो इसमें मैं पढ़ा देता हूँ वैसे आपको कि आपकी, चलो मैं बोल देता हूँ पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। टू फैसिलेट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस टू द कैंडिडेट्स करेक्टली, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म बैंक अकाउंट डिटेल्स विद बेनिफिशियरी नेम, बैंक आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर टू विद द रिफंड इज टू बी क्रेडिटेड। तो आपको हम वैसे वापस कर पाए, आप मतलब रेलवे, तो आपको अपनी बैंक डिटेल, बेनिफिशियरी नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सही सही आपको भरना है। इफ द कैंडिडेट्स विश टू मॉडिफाई द अकाउंट इट इज फर्निश्ड अर्लियर, दे कैन सेलेक्ट मॉडिफाई अकाउंट ऑप्शन एंड एंटर द ओटीपी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। The account details once confirmed modified cannot be modified again। अगर जो बच्चे इनको लगता है कि हमारा अकाउंट नंबर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, दूसरे नया बैंक अकाउंट में मैं डालना चाहता हूँ पैसे, लाना चाहता हूँ पैसे, तो वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं नया उनका बैंक अकाउंट, पर एक ही बार कर सकते हैं वो, और उसके लिए OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजेगा, उसको सेट करना होगा तभी वो मान्य होगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द अबाउ एक्टिविटीज वेल बिफोर द क्लोजिंग टाइम ऑफ 23.59 आवर ऑन, मतलब लास्ट आवर बोलते हैं ना, 1/10/2018 टू अवॉइड लास्ट मिनट रश एंड इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज। मतलब सबसे पहले ये काम कर लो आप, ऐसे नहीं कि उसको लेट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, अदरवाइज लास्ट में आप काम करोगे तो वहाँ पर बहुत रश होगा, तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है लास्ट चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, यहाँ पर लेटर खत्म हो रहा है और ये कह रहा है यह है कि डिटेल्स वंस सबमिटेड विल नॉट बी चेंज्ड, और पोस्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, पोस्ट, एग्जाम ट्रेड, रेलवे यूनिट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऑप्शन फॉर द पोस्ट, एग्जाम ट्रेड एंड अकाउंट डिटेल आपको केयरफुली देनी है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई बात। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे स्क्रीन में देख रहे हो आप, डिफरेंट पोस्ट देख रहे होंगे, तो ये डिफरेंट पोस्ट आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास इसमें नहीं है, और ये इसमें ये देखा है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, कहाँ पे आप वर्क करोगे, तो ये सब चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ये है, देखो जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, जो बच्चे यहाँ पे देखो आप इसको पढ़ो एक बार, और ये पढ़ो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है यहाँ पर भी, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपकी ये भी है। अब ये कौन सी चीज़ है ये देखो, दिखाता हूँ एक बार, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला कैटेगरी 74 है और 75 3। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अगर आपकी ट्रेड है और जो जो पोस्ट इसमें दे रखी है वो सब देख लो, ऐसी इलेक्ट्रिशियन वाले सब अपनी पोस्ट देख लो और उन पोस्ट को आप सेलेक्ट करना मत भूलना। ठीक है, ये हो गई बात। अब ये आगे सरकाते जाओ इसको आगे। ठीक है, अब अपन आ गए यहाँ पर, नेम ऑफ द पोस्ट, अच्छा फिर जोनल, जोन वाइज भी दे रखी है, एक भी अहमदाबाद की ये है
और आपकी सब सब जगह की इसमें ये दे रखी है, इलाहाबाद की सब की आपकी यहाँ पे दे रखी है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब असिस्टेंट, अब इसमें गोरखपुर का भी दे रखा है। बस मेरे ख्याल से ये पूरा ही हो गया है वीडियो। ठीक है, बस जनरल वाइज दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आपने जो देखो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है तो बता दीजिए आप। तो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारी थ्योरी प्रैक्टिकल, उनके कुछ क्वेश्चंस आए उनको पढ़ लेता हूँ मैं। सर मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो ट्रेड कौन सा चूज करूँ? टेक्नीशियन, पहले इलेक्ट्रीशियन, फिर से ऑप्शन दिया अगर करना है तो किसको कर सकता हूँ? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हो तो बेटर रहेगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भरना। और फिर है इसमें अच्छा, एक बच्चों का एक ने ये पूछा है, सर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाली है, मेरे पहले भी दो क्वेश्चन रॉन्ग दिखा रहा है, आज न्यूज़ आंसर की आया है उसमें भी दो रॉन्ग है, क्या करें प्लीज़ बताएं? 17 को फर्स्ट में किसी का एग्ज़ाम था क्या? तो इसमें देखो, जो मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जैसे मान लीजिए आपने अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग है और बाकी सब बच्चों ने उस एग्ज़ाम शिफ्ट के लिए किया है, तो क्या आपको आपको 10 क्वेश्चन रॉन्ग माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? ये क्वेश्चन अगर आपका है तो ये ऐसा बेफिक्र रहो, क्योंकि देखो फाइनली जो शिफ्ट का बात मानी जाती है, स्टूडेंट की बात नहीं मानी जाती, शिफ्ट की बात मानी जाती है। तो एक शिफ्ट में अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 10 क्वेश्चन पूरे अपडेट होंगे, वो 10 क्वेश्चन फिर से सही होंगे वो, और वो सभी के लिए एलिजिबल होगा जो भी स्टूडेंट्स ने उस शिफ्ट को दिया है। ऐसा नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन कर दिया उनको तो हाँ हाँ भैया ठीक है, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भाई तूने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया था, तेरे नंबर क्यों पड़ा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो शिफ्ट को वो ठीक करेंगे। ठीक है, और सर मेरा आईटीआई किस में कम कट ऑफ रहेगा रिगार्डिंग ऑल जो भी है? ठीक है दोस्तों, अभी मैं और भी आएंगी इंक्वायरीज, तो काफ़ी अभी भी जिज्ञासु माना आपका, काफ़ी चीज़ पूछेगा तो हम उसको और यूट्यूब कमेंट में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और थ्योरी टू प्रैक्टिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये बात हो गई। और दोस्तों एक बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो ज़रूर आप स्टूडेंट्स लें। कई स्टूडेंट्स जो तैयारी करने के लिए फ्री के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्री अगर अच्छा है, फ्री में अगर एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई जा रही है तो ज़रूर करें, फिर आप पेड ना करें तो ये अच्छा है। पर अगर क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको मिल रही है तो बात आपको सिलेक्शन लेने की है। आपको ये नहीं है कि भाई मेरे को, मैंने एग्ज़ाम था मेरा, कभी मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, और क्यों? क्योंकि उस समय मैंने इतने पैसे बचा लिए थे इसलिए, तो वो चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ पेड होगी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हम लोग उस हिसाब से काम भी करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी देते हैं, कोर्स भी कंप्लीट होता है, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर आप दोस्तों रियल में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो क्वालिटी एजुकेशन को रेफ़र करो, ऐसे नहीं कि फ्री के चक्कर में पढ़ रहे हो। और अगर फ्री अच्छा है तो मैं बोलूँगा ज़रूर जाओ, सब चीज़ तरीके की चीज़ मिल रही है। पर जैसा मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कई चैनल्स हैं, फ्री तो दे रहे हैं पर फुल चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दिया, कुछ कुछ पढ़ा दिया और मेन मेन चीज़ पढ़ाई नहीं, और आप सोच रहे हैं कि भाई जो इतना इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रीशियन का और बाद में मालूम पड़ा कि यार एग्ज़ाम से क्वेश्चन आए क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर था वो छूट रहा है। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ठीक है, या फिर बोल रहे हैं हम कोर्स पूरा करा देंगे, कोर्स पूरा नहीं कराया तो आप रह गए। पर जब आप यहाँ पे थ्योरी टू प्रैक्टिकल में कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, कोर्स आप ले रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हैं कि सर हमने पेमेंट दिया है इसलिए हम पूरा कोर्स हमको मिलना चाहिए, और हम पूरा कोर्स प्रोवाइड आपको करा भी रहे हैं, है ना? तो ये मैं कहूँगा अगर आप क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल ज़रूर आप विजिट करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको हमारे डेमो वीडियोज़ मिलेंगे, youtube.com/थ्योरी टू प्रैक्टिकल करना, तो वहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए, मैकेनिकल डीजल वालों के लिए, सभी ट्रेड्स के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए बनी है, तो उसको ज़रूर एक बार आप विजिट करें दोस्तों। और फाइनल बस मैं एक बात और ये कह रहा हूँ आपसे कि जो भी आप हो, आपकी इंक्वायरीज हो 800
3378523 पे, या फिर थ्योरी टू प्रैक्टिकल एट द रेट gmail.com पे आप अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हैं, हम उसको जवाब देना चाहेंगे। और एक वीडियो, अगर एक एक इंक्वायरी नहीं दे पाए तो वीडियो तो हम ज़रूर बना पाएंगे उन सब प्रॉब्लम्स का। तो ज़रूर एक बार आप जो है अपनी इंक्वायरीज को पूछें दोस्तों, और उसको बाद में हम उसको चेंज करते। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने इसमें कवर करी है मैक्सिमम, उसके बावजूद भी आपका कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।